हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी गुरु चैनल। माय नेम इज करण साळवे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल बार चार्ट पीएचपी में डायनामिकली MySQLite डेटाबेस से कैसे शो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे htdocs फोल्डर में और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसे नाम देंगे चार्ट। फोल्डर क्रिएट करने के बाद अब हम ब्राउजर ओपन करेंगे और ब्राउजर में टाइप करेंगे गूगल बार चार्ट। तो ये जो पहली लिंक आएगी गूगल डेवलपर्स के लिए, उस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बहुत सारे बार चार्ट के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो हम इनमें से ये एग्जांपल देखेंगे, तो ये कोड कॉपी कर लेंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे barchart.php। और इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे और सेव कर लेंगे। अब हम रन कर देखते हैं। तो हमारा बार चार्ट कुछ इस प्रकार बता रहा है, लेकिन ये स्टैटिक है अभी, तो हमें इसे डायनामिकली बनाना है। तो हम जाते हैं हमारे फाइल में। तो सबसे पहले थोड़ी कोडिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है कि पैकेज में से बार सेलेक्ट किया है, इसलिए ये बार चार्ट बता रहा है। उसके बाद ड्रॉ चार्ट फंक्शन को कॉल किया है, तो ये कॉल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जो लेबल दिए गए हैं, ईयर, सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और उसके वैल्यूज दी गई है। तो पहले जो ईयर है वो स्ट्रिंग है और उसके बाद बाकी की वैल्यूज सारी इंटीजर है। उसके बाद नीचे चार्ट के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि टाइटल, सबटाइटल, आपको यहाँ पे क्या शो करना है आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। उसके बाद बार हॉरिजॉन्टल है, आप यहाँ पे वर्टिकल कर सकते हैं। सेव। तो ये ऐसे वर्टिकली भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बार चार्ट का आईडी है उस पे चार्ट ड्रॉ किया है, डेटा यानी ये जो हमारा डेटा है और ये ऑप्शन के साथ पास किया है और यहाँ पे बार चार्ट मटेरियल पे ये आईडी पे शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसे डायनेमिक बनाना है। तो इस बार चार्ट को डायनेमिक बनाने के लिए हमें पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो हम चलते हैं फिर से ब्राउजर में और यहाँ पे टाइप करते हैं लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन और यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं डेटाबेस को नाम देता हूँ चार्ट क्रिएट। चार्ट के अंदर हमें एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैं टेबल का नाम देता हूँ बार चार्ट। इस टेबल के अंदर होगा आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी, उसके बाद जो फील्ड है ईयर, सेल्स, सेल, एक्सपेंसेस और एक फील्ड है जो है प्रॉफिट।
सेव। तो यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, लेकिन टेबल में कुछ वैल्यूज नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल में मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर ली है। अब हम एक न्यू फाइल बनाएंगे डेटाबेस कनेक्शन के लिए, db.php। और यहाँ पे जो डेटाबेस नेम है हमारा वो एक चार्ट और सेव। तो डेटाबेस कनेक्शन भी हो गया है। अब हम जाते हैं बार चार्ट में और ये पार्ट रिमूव कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट की क्वेरी करेंगे, डॉलर क्वेरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में है बार चार्ट। MySQL query डॉलर कनेक्शन क्वेरी वाइल डॉलर डेटा MySQL पेज उस एरे डॉलर ईयर जो हमारे फील्ड है ईयर, उसके बाद सेल एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में फर्स्ट जो है डॉलर डॉलर ईयर, उसके बाद PHP एको डॉलर सेल, उसके बाद है PHP एको डॉलर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, और उसके बाद लास्ट फील्ड है प्रॉफिट। और अब यहाँ पर हमारी जो टीवी फाइल है वो इंक्लूड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी सारी कोडिंग हो चुकी है, तो अब हम रन करके देखते हैं कि हमारा रन हो रहा है या कोई एरर शो कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम कुछ वैल्यूज डेटाबेस में चेंज कर कर देखते हैं, जैसे कि 2016 की एक्सपेंसेस, उसे हम शो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, देखिए यहाँ पे शो बता रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा बार चार्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको बार चार्ट पे और अलग अलग डेमो चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर और वीडियो बना दूंगा। और ये सोर्स कोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।